हेलो गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, इंशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह आप लोगों ने शाद आबाद रखे। आज एक नई जगह, नई लोकेशन और एक नई वीडियो, और उस नई नई वीडियो में कुछ है भी नयापन। और आप हैरान होंगे कि मन्ने जो है ना, वो हैरान इस सेंस में होंगे कि मुश्किल है शायरी करना, लेकिन मन्ने अपने बेटा के लिए शायरी करी थी कुछ टाइम पहले, तो वो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करी जावे। कोई 2-3 दिन पहले वो इत्तेफाक से मैं कुछ सेटिंग वेटिंग कर रहा था घर की, रूम की, तो यूँ मेरे सामने आ गया था पेपर, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शायरी शेयर करी जावे। बाप बेटा की मोहब्बत, ऑब्वियसली कोई लफ्ज़ा में पिरोना तो बहुत मुश्किल हो जाए मामला, लेकिन जिस हद तक हर किसी का इजहार ख्याल का अपना एक तरीका हुआ है, लफ्ज़ा में पिरोन का अपना एक तरीका हुआ है, तो मैंने छोटी सी कोशिश करी तो आपने सुनाऊँ मज़ीद, तो आपने खुद अच्छा लगे तो आप मैंने मैसेज में बता सको हो कमेंट्स में। और बाकी शुरू कर रहा, फिर आप खुद बेहतर समझो हो फिर के लिखा और के नहीं लिखा। उनवान कोई भी हो सके, बाकी बस आप इतना समझ लो कि यो बाप ने अपना बेटा से मोहब्बत में ये लिखी, और अल्लाह ताला ज़िंदगी देवे मेरा बेटा ने, वो मेरा दोस्त है, तो उस सेंस में ज़्यादा ये समझ लो। तू ही मेरी मोहब्बत है, तू ही तो दोस्त है मेरा। तू ही मेरी मोहब्बत है, तू ही तो दोस्त है मेरा। तू मेरी जान है बेटा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तू मेरी जान है बेटा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मोहब्बत की बुनियादी सी एक चीज़ बताई और कुछ भी। आगे आगे है, लगे तुझको कभी ठोकर, उखड़ती सांस है मेरी। लगे तुझको कभी ठोकर, उखड़ती सांस है मेरी। रोता देख कर तुझको मैं तेरे साथ रोता हूँ। रोता देख कर तुझको मैं तेरे साथ रोता हूँ। इसमें समझने वाली सिर्फ इतनी सी बात है कि इंसान फीलिंग्स हो, मैं इंसान औलाद की औलाद का जो दुख महसूस करे वह, और हर साहिब औलाद इसमें अच्छे तरीक़े से महसूस कर सके, कोई बहुत बड़ा फ़लसफ़ा की चीज़ नहीं है। ये कुदरत की अता करदा मोहब्बत है मेरे बेटे। ये कुदरत की अता करदा मोहब्बत है मेरे बेटे। तू जितना दूर होता है मैं उतना याद करता हूँ। तू जितना दूर होता है मैं उतना याद करता हूँ। कोई खुशियों की महफिल हो या बस हो घूमने जाना। कोई खुशियों की महफिल हो या बस हो घूमने जाना। मैं खुद को आम करता हूँ, तुझे मैं ख़ास करता हूँ। मैं खुद को आम करता हूँ, तुझे मैं ख़ास करता हूँ। यानी हम कितने भी जावा, घूमन फिरन मिलन मिलान, तो शादी मुरादी जावा करा, औलाद जो है वो ये ज़्यादा तैयार करी जावे, हवाए तैयार करके आगे ले जाई जावे, उसे हमने वो है कि वो ज़्यादा खुश हों, इंजॉय करें, घूमें फिरें, खेले कूदें। बड़ा का तो ये हुआ रसूमात पूरी करण में और ज़िम्मेदारियाँ पूरी करण में, और उनमें इंसान पूरा हुआ है, और वो उसने वो ये कह कि ना जी, जो मान इज़्ज़त प्यार देना वो मेरे बच्चा से, तो हमारी तो खैर है, कोई मसला को नहीं। अपनी औलाद के लिए इंसान ज़्यादा से ज़्यादा चार हो गए है, तो अपना आप ना आम कर लेगा यार, मन ना छोड़ो, इससे पूछ लो कि खावेगा कित, जाएगा कित, बैठेगा कि नहीं, इसकी फ़ोटो भी खींच लो, इसकी मूवी भी बना लो, सब कुछ कर लो इस तरह से। तेरे हाथों को चूमूँ हूँ, तेरे में पाँव चूमूँ हूँ, ये भी मोहब्बत का मामला। तेरे हाथों को चूमूँ हूँ, तेरे में पाँव चूमूँ हूँ। लगा कर तुझको सीने से मैं खुद को शाद करता हूँ। लगा कर तुझको सीने से मैं खुद को शाद करता हूँ। यानी अपना आप खुश करना होगा, जिद बच्चा छोटा हो तो उसके वैसे ही हाथ और पैर और माशाल्लाह सोने से हुए हैं, और बंदा का जी करे है, वह बंदा हाथ चूमे पैर चूमे, तो मोहब्बत का मामला यो भी। गुजारी उम्र जो मैंने बस एक पढ़ने पढ़ाने में। गुजारी उम्र जो मैंने बस एक पढ़ने पढ़ाने में। तू जो एक लफ्ज़ भी पढ़ ले, तू जो एक लफ्ज़ भी पढ़ ले, मैं तुझ पे नाज करता हूँ। मैं तुझ पे नाज करता हूँ। नहीं दे पाता वक्त तुझको, बड़ा मजबूर हूँ बेटा। नहीं दे पाता वक्त तुझको, बड़ा मजबूर हूँ बेटा। तू अपना ख्याल रखा कर, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तू अपना ख्याल रखा कर, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। इतनी थी, और इतनी भी बहुत है, मतलब लिखा इंसान एक एक शेर जोड़ता जावे, एक एक जुमला जोड़ता जावे, बनावे फीलिंग्स हो में, हमें लफ्ज़ों की सूरत में किसी सफ़ा उतारनी हो में है। और यो फ़न यो आर्ट हर किसी के पास को नहीं होता, कोई दो चार अदब अदब वाले लोग हैं
जो ज़्यादा समझे इन चीज़ों में उनकी सोबत में बैठ के कोई चार अल्फाज हमने भी जोड़ने सीख लिए थे किसी ज़माने में। एक जनवा और एक मेरी लिखी हुई चीज़ है, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपने सुनाऊंगा, कोई ज़्यादा नहीं, बस एक चार लाइन है, मैं थोड़ी सी ने समझ लो कि वो थोड़ी सी मुख्तलिफ तरह की हैं। तो ये अपने बेटा के लिए थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करी जावे। और किसी थी किसी नहीं वो तो देखो आप लोग बेहतर समझो और आप लोग समझ भी लोगे, और जो आपने अच्छा लगे या बुरा लगे तो आप भले वो कमेंट्स में मैंने बता सको, ऐसी कोई बात को नहीं। और बाकी फिर अगली वीडियो तक के लिए जो है ना वो मेरी ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए, अपना ख्याल रखियो और मन दुआ में याद रखियो। और अगली वीडियो तक अगर मेरी ये आपने पोइट्री अच्छी लगी हो तो हाँ इसने लाइक और शेयर ज़रूर कर दियो। और अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए आए हो तो मेरा चैनल ने हमारा चैनल ने यानी जिसने शायरी जिसके लिए करी उन दोनों का चैनल ने सब्सक्राइब भी कर दियो और बेल आइकॉन भी दबा दियो, ताकि हर अगली आने वाली हमारी वीडियो चाहे वह जिसी भी हो वायरल आप तक वह ज़रूर पहुँच जाए और फ़ौरन पहुँच जाए। तो ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए अगले वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।